देखो थोड़ी देर अगला पार्ट स्टडी करेंगे और थोड़ी देर टेस्ट का रिवीजन लेंगे, अरे ठीक है? पहले लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़े थे उसके आगे देखते हैं। अरे अरे लेसन चल रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, इसमें क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले देखे थे इंट्रोडक्शन, जिसमें इम्पोर्टेंट क्या था, इसमें था आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये देखे थे। उसके बाद मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वेयर वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी इंपॉर्टेंट था, डिनोटेड बाय सी और डिनोटेड बाय वी, व्हाट एवर इट मे बी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन बताया था मैंने, एक्सप्रेशन का नाम क्या था? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, आया आपके स्क्रीन पर? यस बोलो, है यस सर ना? हाँ, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस में इसका एक गैस कंटेनर है, ये गैस कंटेनर में, ये क्यूबिकल गैस कंटेनर है जिसमें तीन फेसेस है, उसको कंसीडर किया होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ऊपर जा रहा है जेड एक्सिस। इसका हर एक का लेंथ था एल, इसमें गैस भरा हुआ है जिसमें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हर एक का मास है एम, टोटल मास इज एन इंटू स्मॉल एम। तो ये फर्स्ट पार्टिकल राइट में जा रहा, इधर कोलाइड हो रहा, उसका मोमेंटम फाइंड किए थे, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों का माइनस, फिर उसको टाइम से डिवाइड किए, तीन बार समझाया था मैंने इसमें शॉर्ट, इसलिए शॉर्ट में समझा रहा, उसको टाइम से डिवाइड किए तो मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल, ये एक मॉलिक्यूल का है, ऐसे एन बाय थ्री मॉलिक्यूल थे तो ये एन्स को एन बाय थ्री लेंगे, सबका टोटल करेंगे, टोटल चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो ये जो टोटल चेंज इन मोमेंटम मिला एम अपॉन एल इनटू दिस ब्रैकेट, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फोर्स। ओके, फोर्स टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गिवन सरफेस, वो फोर्स मिला। अब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो टर्म है वो टर्म से फाइंड किए थे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका वैल्यू वापिस ये इक्वेशन में फीड किए थे, याद आ रहा है ना, 2 दिन पहले की बात है, इसमें वापिस फीड किए थे, अपने को मिला था फोर्स दिस फॉर्मूला। अब इसमें एन और एम एक साथ लेंगे और डिवाइड करेंगे एल से, ये जो वी स्क्वायर है ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज कॉल्ड आरएमएस वेलोसिटी। ओके, तो फोर्स पर से प्रेशर कैसे मिला था? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स था 1/3 एन एम वी स्क्वायर अपॉन एल डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर मिला 1/3 एन एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू एल। उस पर से अपने को फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला था, एन अपॉन एम के जगह लिए थे कैपिटल एम टोटल मास, उसके बाद कैपिट ए और एल का मल्टीप्लीकेशन लिए थे वी, एम अपॉन वी इज डेंसिटी रो, रो इंटू वी स्क्वायर, फाइनल एक्सप्रेशन मिला था रो इज 1/ सॉरी पी इज 1/3 रो वी स्क्वायर, पी इज 1/3 डेंसिटी इंटू आर एम एस स्पीड स्क्वायर। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए दो है, प्रेशर और आरएमएस स्पीड, उसमें से आरएमएस स्पीड क्या रहती है वो पहले देखते हैं, ये 2 पॉइंट देखेंगे आज, फिर बस रिवीजन लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड आरएमएस स्पीड, जहां पर ये वी स्मॉल वी, दोनों वी में जम्बलिंग नहीं करने का, कैपिटल वी जो फॉर्मूले में है, कैपिटल वी क्या था वॉल्यूम और स्मॉल वी था स्पीड, आरएमएस स्पीड और आरएमएस वेलोसिटी। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता, ये आरएमएस स्पीड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, क्या
क्या क्वेश्चन आता, शो दैट आरएमएस स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दो मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो उसके लिए कैसा प्रूव करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ये जो इक्वेशन था पी इज 1/3 रो वी स्क्वायर और पी इज 1/3 एम अपॉन वी स्क्वायर। देखो यह लिया मैंने एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर कहां से आया, और एक बार देखो, देखो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, पी इज 1/3 एन एम वी स्क्वायर अपॉन वी, पी इज 1/3 एन एम वी स्क्वायर अपॉन वी। ये एक्सप्रेशन यूज करें। अब ये एक्सप्रेशन में क्या करो, थ्री इधर लो और वी इधर लो, तो क्या होगा, थ्री पी वी हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या बचा, सिर्फ न्यूमरेटर एन एम इंटू वी स्क्वायर। नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन दैट मीन्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इंस्टेड ऑफ दिस पी वी यू कैन सब्स्टिट्यूट एन आर टी, यू विल गेट थ्री एन आर टी। ओके, थ्री एन आर टी इज इक्वल टू एन एम इंटू वी स्क्वायर, थ्री एन आर टी राइट साइड वैसे के वैसे रखे। अब ये वी स्क्वायर ऐसे रहने दो, एन इंटू एम को इधर लेंगे लेफ्ट में तो आ जाएगा डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर वैसे ही थ्री एन आर टी डिवाइडेड बाय एन इंटू एम, समझा यहां तक। अब ये जो स्मॉल एन है उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन ए मीन्स नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर एन अपॉन एन ए। तो देखो स्मॉल एन की जगह लेंगे कैपिटल एन अपॉन एन ए, तो यहाँ आएगा कैपिटल एन अपॉन एन ए स्मॉल एन की जगह, जिसमें कैपिटल एन हो गया कैंसल, क्या बचा, थ्री आर टी डिवाइडेड बाय एन ए इंटू एम। नाउ दिस एन ए इंटू एम इज मोलर मास ऑफ गैस, एन ए इंटू एम इज कॉल्ड एम जीरो, दिस इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ द गैस। RMS velocity में V square is 3RT divided by M0, square root लो, V is equal to square root of 3RT divided by M0, V is square root of 3RT upon M0, जिसमें से 3 constant है, R constant है, R is called universal gas constant, और M0 मतलब मोलर मास ऑफ गैस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ये तीनों टर्म कॉन्स्टेंट है, इसलिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, दैट इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आर एम एस स्पीड ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, जो अपने को प्रूव करना था। ये गैस एक्सप्रेशन प्रेशर के एक्सप्रेशन से प्रूव किए तो फाइनल आंसर मिला आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। इस पर अक्सर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पर अक्सर दो मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, या इस पर एमसीक्यू आता, ठीक है। ये आरएमएस स्पीड, और एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे फिर बस। देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अपने को फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, ई फाइंड करना है एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करना है, यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। उसके लिए लिखेंगे पहले, वी नो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस पी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, ये सब आपको पता है। कैपिटल पी इज कॉल्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, एन इज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एम मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, स्मॉल वी
RMS speed and capital V is called volume of the gas. ये दोनों V jumbling नहीं करने का, नीचे capital V है ऊपर small V है, RMS speed अलग है V अलग है, ठीक है। तो अब ये V को इधर लो, ये आ जाएगा ऊपर, PV is 1/3 NMV square, दोनों साइड में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू करो, देखो मल्टीप्लाई 2/2 कई के लिए किए इंटरनल एडजस्टमेंट, तो ये 2 इधर आ जाएगा 2/3 एन वैसा के वैसा, और यहां बचा 1/2 mv square, समझ रहा, ये 2 इधर आ गया और ये 2 वैसा के वैसा बचा, उसको लिखा मैंने 1/2 mv square। अब ब्रैकेट में मिला 1/2 mv square, ये कैपिटल एन और ये स्मॉल एम मिला के बनता कैपिटल एम, तो मिला 1/2 mv square। काय का फॉर्मूला है, इस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला हम लोग 9वीं 10वीं से पढ़ते हैं, काय का फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv square, द क्वांटिटी 1/2 mv square इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, कैपिटल एन देखो ये पूरा कैपिटल एन इंटू 1/2 mv square इज कैपिटल ई, दैट इज एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो देखो ये फॉर्मूले में PV वैसा के वैसा लीधर, PV 2/3 इसके जगह लिखा मैंने कैपिटल ई, समझ ना, ये PV लिखे वैसा के वैसा 2/3, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो है टोटल एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैपिटल ई। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसको इधर लो 2/3 का हो जाएगा 3/2 PV, ओके 3/2 PV मिला E, और एक एडजस्टमेंट इधर PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT और PV जस्ट RT, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू रहता NKB, R इज N इंटू KB, where N is number of gas molecules and KB is Boltzmann constant, तो N KB into T, PV की जगह लिखा मैंने, इसमें से N इधर ले लो, E/N is 3/2 KBT, ये अपना final formula मिला, average kinetic energy, see average kinetic energy per molecule, E क्या है, E is average total kinetic energy, उसको N से divide किये तो हो गया, average kinetic energy per molecule is 3/2 into KBT, ठीक है। तो यहां तक आज के लिए काफी है, उसके बाद specific heat, Mayer's relation या अगले lecture में लेते हैं। एक मिनट, कौन enter हो रहा है, रेशमा शाह, समझ में आया यहां तक, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पेपर कितने मार्क का है बोलो, 25 मार्क्स, टाइम लिमिट 1.5 आवर्स, जिसमें आप घर से लिख रहे इसलिए आपको थोड़ा सा कंसेशन है, थोड़ा कम ज्यादा टाइम हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सही लिखो, कम ज्यादा टाइम होने के लिए आपको आना भी पड़ेगा, कुछ आएगा तो लिखेंगे, ठीक है। तो देखो कौन से लेसन है, फर्स्ट लेसन का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स में क्या क्या स्टडी किए थे, सबसे पहले देखे थे सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, उसके एग्जांपल्स लिखे थे, फिर उस पे से 3 क्वांटिटी लिखे थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राइट, फिर एंगुलर वेलोसिटी,
फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, आर्क अपॉन रेडियस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी, डीवी बाय डीटी एक्सेलरेशन, ये था थीटा, ये था ओमेगा, ये था अल्फा, इसके कैरेक्टर्स लिखे थे। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शुरू में सिर्फ सर्कुलर मोशन था, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, क्या कंडीशन है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड नॉट कॉन्स्टेंट, इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी रहता वी, एंगुलर वेलोसिटी रहता ओमेगा, दोनों के बीच में रिलेशन है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, ये देखे थे। उसके बाद पीरियड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, देन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का डिस्टिंग्विश भी एग्जाम में आ सकता, क्या फर्क है दोनों में। सेंट्रीपिटल मतलब फोर्स एक्टिंग अलोंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम, माइक बंद करो कोई है तो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके, दोनों के फॉर्मूले सेम है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सिर्फ एक में निगेटिव साइन है एक में प्लस साइन है। एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, यूसीएम के एप्लीकेशन देखे थे, पहला था व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे जब व्हीकल मूव हो रहा है उसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था वी मैक्स इज अंडर रूट म्यू आर जी, वी मैक्स इज मैक्सिमम वेलोसिटी, अंडर रूट म्यू इज, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर था वेल और वॉल ऑफ डेथ, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, ऐसा मूव हो रहा है गाड़ी चला रहा है ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोटरसाइकिलिस्ट, तो उसका फॉर्मूला आया था वी मिनिमम इज अंडर रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था बैंकिंग ऑफ रोड, रोड का बैंकिंग मतलब आउटर एज ऑफ रोड इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल, जितने इससे एंगल से इंक्लाइंड था उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड लिमिट। एंगल ऑफ बैंकिंग द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड रोड सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। फिर ये रोड का सरफेस है, रोड टिल्ट किया हुआ है, गाड़ी जा रही है, आप गाड़ी आप रोड के ऊपर खड़े रह के गाड़ी को पीछे से देख रहे हैं तो एक गाड़ी ऐसी दिख रही है, इस पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, उसका मास एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका नॉर्मल रिएक्शन एन, सो यू कैन रिजॉल्व दिस नॉर्मल रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स एज एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी, एन साइन थीटा गिव्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसको इक्वेट करेंगे एन कॉस थीटा इज एम जी, एन साइन थीटा इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, डिवाइड करेंगे टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, उस पर से सेफ स्पीड लिमिट वी स्क्वायर आर जी, इधर लो वी स्क्वायर इज आर जी टेन थीटा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, और एंगल ऑफ बैंकिंग भी इस पे से मिलेगा, थीटा ऐसे ही इधर ही रहने दो, टेन थीटा को राइट साइड में लो तो हो जाएगा टेन इनवर्स, थीटा इज टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। फिर स्पीड लिमिट देखे थे, मैक्सिमम मिनिमम स्पीड लिमिट जिसमें फ्रिक्शन कंसिडर करने का था, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोनिकल पेंडुलम, क्वेश्चन कैसा आएगा व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम ऐसा घूमता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, इसके वजह से वो आइसक्रीम के कोन के जैसा शेप बना रहा है, ओके, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेंगे, एक ही डायग्राम इन एन इनर्शियल फ्रेम, ये बनाने का, ये नहीं बनाने का, और वो डायग्राम बना के फिर से दो फोर्स
उस पर एक्ट होने वाले हैं, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को डिवाइड किए, फिर ओमेगा स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ये पूरा मैंने समझाया था जब लेसन चल रहा था वो टाइम पे, मैं पूरा समझाया था कैसा आता क्या आता। फाइनल एक्सप्रेशन आया था टी मीन्स पीरियड, पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इज 2π अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, एल इज लेंथ ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, कॉस थीटा था वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, और इसका रेसिप्रोकल रहता फ्रीक्वेंसी। फिर एक पॉइंट था अभी तक जो चल रहा था हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसा हॉरिजॉन्टल में घूम रहा था, अब आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसा घूम रहा है वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, उसका डायग्राम ऐसा, कोई मास कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसका टेंशन कितना है, उसका देखो एम जी उसका वेट है, फिर उसका अपने को फाइंड करना था एनर्जी एट डिफरेंट पोजिशन, फिर फाइंड किए थे वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजिशन, सबसे कम वेलोसिटी टॉप में रहती, कितनी रहती अंडर रूट आर जी, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी बॉटम में रहती, कितनी रहती अंडर रूट 5 आर जी, और मिड पॉइंट पर कितनी रहती अंडर रूट 3 आर जी। इस पर से वेलोसिटी भी फाइंड किए थे, वेलोसिटी किधर कितनी रहती वो फाइंड किए थे, उस पर से वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट एट ऑल पोजिशन, वो एक्सप्रेशन भी लिखे थे अपने, ठीक है। उसके बाद मास टाइट टू ए रॉड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर ये जो थोड़ा सा शेडेड दिख रहा है ये अपने सिलेबस में नहीं, ये भी शेडेड ब्लू पार्ट अपने सिलेबस में नहीं। फिर आया था रोटेशनल डायमंड डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी डेफिनेशन, इट इज एनालॉगस टू मास, उसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, ई इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ई इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ई इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो एग्जाम में कैसे आ सकता, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, इट इज ई इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये यहां तक लिखने का डायग्राम भी बनाने का। फिर अलग अलग चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का बताया था मैंने, ये वाला। फिर एक डेफिनेशन थी रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, वो डेफिनेशन भी आपके पास ये पूरे नोट्स है उसमें है। फिर दो थेरम थे, दो थेरम अपने को स्टडी करने के थे, पहला था थेरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये पूरा थेरम का स्टेटमेंट, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म, फिर उसका प्रूफ, प्रूफ में डायग्राम, और ये पूरा उसमें पाइथागोरस थेरम यूज किया था ये सब लिखने का। दूसरा थेरम था थेरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, उसका ये स्टेटमेंट पूरा मैथमेटिकल फॉर्म भी, IZ इज IX + IY, फिर उसके प्रूफ में ये डायग्राम, और ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का, लास्ट में ये प्रूव होगा, हेंस इट इज प्रूव, अगर ये पूछेंगे तो ऐसा लिखने का। फिर देखे थे एंगुलर मोमेंटम L, एक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें L का फॉर्मूला लास्ट में अपने को मिला था L इज इक्वल टू I ओमेगा, ये फॉर्मूला कैसा आता डेफिनेशन से वो पूरा आपको पता है, आपके नोट टेक्स्ट बुक में भी और नोट्स में भी दिया है L इज इक्वल टू I ओमेगा। फिर था एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क कैसे डिनोट करते हैं, टो, देखो फाइनल फॉर्मूला मिला था दिस वन, टो इज इक्वल टू I अल्फा, टो इज द टॉर्क, टॉर्क मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, एक कपल जनरेट होता उस पर से कोई चीज रोटेट होती, टॉर्क I ओमेगा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या था एंगुलर एक्सेलरेशन, टो इज इक्वल टू I अल्फा। और एक इंपॉर्टेंट लॉ मैंने बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था 11th में, था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, 12th में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसका स्टेटमेंट 2 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन।
इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए बॉडी देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब कंजर्व हो गया, कंजर्वेशन. ठीक है, तो उसका प्रूफ लिखने का था पूरा इजी है, छोटा सा पॉइंट यहाँ तक उसका प्रूफ था. एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये अपने को प्रूव करने का था, वो प्रूव हो गया था. फिर बाकी ये पार्ट रोलिंग मोशन अपने सिलेबस में नहीं है. यहाँ तक ये लेसन था, जितना मैंने बताया उतना करो. उसके बाद MCQs, उसके एक्सरसाइज में से MCQs करो, फिर उसके एक्सरसाइज में से न्यूमरिकल्स करो, वो भी आ सकते. क्या आएगा वो आपको कल परसों समझेगा, लेकिन जो ले रहे उसमें से आएगा, टेक्स्ट बुक के बाहर से सिर्फ MCQ आ सकते हैं. उसके बाद लेसन था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें प्रेशर का ये पूरा पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है, वो मैंने आपको दिया भी नहीं था. मैं सिलेबस में सरफेस टेंशन से शुरू हो रहा है. सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या रहता है आपको पता है? सरफेस टेंशन, उसमें अलग अलग डेफिनेशन थे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, कोएजिव फोर्स, एडहेजिव फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. फिर द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल पूरा अंदर है, एक थोड़ा सा नीचे है, तीसरा सरफेस के ऊपर है, ये जो दिख रहे हैं ये उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है. हर एक मॉलिक्यूल के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखने का ऐसा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ. फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सरफेस टेंशन, गिव इट्स एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर एंड गिव इट्स डायमेंशंस M1, L0, T-2. ठीक है, तो ये क्वेश्चन की भी तैयारी करो. फिर एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन देखे थे, कौन है जवेरिया पिंजारी, अभी टाइम है क्या आने का? खत्म होने को 5 मिनट बाकी ना. देखो सरफेस एनर्जी और रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ये रिलेशन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है. उसके लिए डायग्राम बनाएंगे. फिर TEF इज इक्वल टू 2 × 12, फाइनल एक्सप्रेशन मिला, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन. देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, शेप ऑफ मेनिस्कस. बीकर में ग्लास में पानी लेंगे तो प्लेन सरफेस नहीं रहता, कॉनकेव रहता. मर्क्यूरी लेंगे तो कॉन्वेक्स रहता. क्यों ऐसा रहता वो अपने को एक्सप्लेन करने का था, उसको बोलते शेप ऑफ मेनिस्कस. ये भी बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता, 4 अलग अलग लिक्विड स्टडी की थी उसमें. देन शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा रहता, मर्क्यूरी का कैसा है, वाटर का कैसा है. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट काई पर डिपेंड है. पहला नेचर ऑफ द लिक्विड, देन इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन इट, देन टेम्परेचर. इम्प्यूरिटीज का सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होता, MCQ आ सकते. छोटे छोटे डिटर्जेंट डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा. फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन का क्या होगा, सरफेस टेंशन में क्रिटिकल टेम्परेचर क्या रहता, ये भी एग्जाम में आ सकता. ओके, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, प्रेशर डिफरेंस मतलब क्या फाइंड करना है, PI - PO, इनर प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड लैप्लास लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन. आंसर आया था 2T/R. ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता, डिराइव लैप्लास लॉ. देन कैपिलरी एक्शन, पानी में कैपिलरी डालेंगे तो वाटर अपने आप ऊपर आता, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे मैंने. वाटर राइज अप द क्रिविक्स, फिर दरख्त में पानी ऊपर जा रहा है. इंक के पेन में इंक ऊपर आ रही है. ऑयल कंदील में रॉकेल अपने आप ऊपर आता. ब्लॉटिंग पेपर पे इंक अपने आप ऊपर आ रही है. ये सब एग्जाम्पल बताया था मैंने. देन सी एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज, वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या फाइंड करना इसमें, देखो ये वाला T = HR ρg / 2 cos θ. ओके, T is HR ρg / 2 cos θ.
ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स के लिए. देन टू टाइप्स ऑफ फ्लोज, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, दोनों में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी क्या रहती, उसके ऊपर था एक क्रिटिकल वेलोसिटी, एक एक दो दो मार्क्स के लिए VSA रहते. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसमें आ सकता है. व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? द वेलोसिटी बियॉन्ड विच ए स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो. द वेलोसिटी बियॉन्ड विच ए स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. राइट, क्रिटिकल वेलोसिटी. फिर देखे थे रेनॉल्ड्स नंबर. फिर विस्कोसिटी, जैसा सॉलिड्स में फ्रिक्शन रहता ऐसा लिक्विड में भी फ्रिक्शन रहता, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी, उसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. फिर विस्कस फोर्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड किए थे. वेलोसिटी ग्रेडियंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ए स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का क्या फॉर्मूला था, ईटा इज एफ डिवाइडेड बाय ए इनटू डीवी बाय डीटी. इस पे से एक लॉ था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए. स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. देन यू हैव टू राइट फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the area of the layer and the velocity gradient. Okay. इसमें से viscous force, velocity gradient, ये सब definition थी. और last में था Stokes law. Stokes law क्या था? Viscous force is directly proportional to eta or V. Directly proportional to 3 things. First, coefficient of viscosity, eta, r, radius of the sphere, v, velocity. फिर terminal velocity की definition, terminal velocity की formula, ये v is equal to 2/9 r square g rho minus sigma upon n. ठीक है, इतना study किए थे. इस पर से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे. चलो क्या क्या पढ़ना बाकी है, क्या हो गया तो देख लो, कुछ पूछने का होगा तो पूछ लो, नहीं तो फिर पढ़ाई करो. थर्ड लेसन वेव ऑप्टिक्स साजे मैडम ने लिए थे, वो हिसाब से उन्होंने बताएंगे क्या क्या करने का. फुल स्केप पेपर अच्छा लो जरा, जो 10 रुपए का 5 रुपए का बोर्ड का पेपर आता वो लो, उस पर से लिखो. चलो स्टडी के ताल्लुक से कुछ क्यूरीज होंगी तो पूछ लो जल्दी, 1 मिनट बचा. यस, एनी प्रॉब्लम? तुम्हारे को टाइम टेबल देंगे, मुहर्रम है शायद फ्राइडे के दिन, नेक्स्ट फ्राइडे को मुहर्रम की 10 तारीख है, उसके दूसरे दिन सैटरडे को 20 या 21 तारीख है, शायद 21 है जब पेपर लाके देने के, ठीक है, जब पेपर जमा करने के कॉलेज में आने का उस दिन, वो जो टाइम दिया वो टाइम पर. और आपका 11वीं का रिजल्ट लग गया था, वो रिजल्ट की कॉपी आपके पास नहीं, 11वीं के रिजल्ट के प्रोग्रेस कार्ड नहीं दिए हुए, वो प्रोग्रेस कार्ड भी उस दिन अपने अपने क्लास टीचर के पास से लेके जाने का, ठीक है. 12 साइंस A वाले शिरीन मैडम से ले जाएंगे, वाले रेशमा मैडम से लेंगे, ठीक है. सी वाले का बताता मैं कौन है, तब बस तो मैडम ही शायद. हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे नीता फातिमा, बोलो जल्दी. सर बोलो, कौन से दिन आना है? मैंने सुनी नहीं सर. मुहर्रम के दूसरे दिन, 11 मुहर्रम सैटरडे, व्हाट्सएप पे भेज देते ना, उस दिन आना है. जी सर. 12:30 और 1:30 to 2:30 बॉयज का एक सेक्शन है, गर्ल्स का एक सेक्शन है, वो लिख के भेजता हूँ, ठीक है. जवेरिया पिंजारी का ये लेट क्यों आए तुम लेक्चर के बीच में, फिर उसके बाद और कौन आए, सैफ अली
दस मिनट बाकी रहे जब एंटर हुए, ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास लिखा हुआ है। बराबर टाइम पे आते जाओ, पढ़ाई करो, अच्छा पेपर लिखो, अच्छे मार्क मिलाने की कोशिश करो, मार्क बोर्ड के एग्जाम में ऐड हो सकते। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।